क्योंकि ये नोट जिसके भी पास रहती है उसको बर्बाद कर देती है। अरे यार, ये कैसे कैसे सपने देख रहा हूं। हेलो। हाँ विपिन बोल। अरे यार, ऐसा लगता है रात को मुझे किसी ने मारा। पूरे शरीर पे ना चोट के निशान है। अरे कुछ नहीं यार, तूने दारू रुपी होगी, कहीं गिरा होगा। अरे नहीं यार, मैंने 3-4 दिन से दारू छोड़ रखी है। अच्छा हाँ सुनना, 4-5 दिन से ना मैं बहुत बुरे बुरे सपने देख रहा हूँ और रात रात भर मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, पूरे शरीर पे ना ऐसा लग रहा है किसी ने नाखून मारा है। तो बताना क्या करूँ। तो रुक, मेरी एक दोस्त है जो भूत प्रेत देखती है, मैं उसको भेजता हूँ। ठीक है यार। मैडम ये देखिए ना, ऐसा मेरे पूरे शरीर पे खरोच ही खरोच है। देखिए जो भी कुछ हुआ है ना, मुझे डिटेल्स में बताइए। 3-4 दिन से ना मुझे रात को ना बहुत बेचैनी होती है, रात रात भर सो नहीं पाता, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो मुझे लगा सपने हैं, कोई बात नहीं। आज सुबह जब मैं उठा ना, मेरे पूरे शरीर में खरोच ही खरोच है। बताइए ना मैडम, मैं क्या करूं। आप अपना वॉलेट लेके आइए। ये लीजिए। मैं उसमें जो पैसे है निकाले, इसमें एक और 500 का नोट है, वो निकालिए। तुम्हारी बेबी हूं ना, मुझे मत मारो। सारी प्रॉपर्टी ये सारे पैसे ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। एक लड़की थी, उसकी हत्या उसके पति ने सिर्फ पैसों की खातिर कर दिया, लेकिन जब उसका मर्डर हुआ तो उसके खून के कुछ छींटे इस नोट पे आ गए और तब से उसकी आत्मा इसी में बस गई। मैडम बताइए ना, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। देखिए अगर छुटकारा पाना चाहते हैं आप इससे, तो इस नोट को अपने आप से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट जिसके भी पास रहती है उसको बर्बाद कर देती है। मैडम आप ही कुछ कर दीजिए ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने रास्ता दिखा दिया है, बाकी